माँ भारती, माँ भगवती, माँ सरस्वती एवं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए, नतमस्तक प्रणाम करते हुए और हमारे इस विद्यालय के सम्मानीय श्री जेपी कुशवाहा जी प्रधानाचार्य जी के चेहरों में नमन करते हुए एवं समस्त विद्यालय परिवार के चेहरों में नतमस्तक प्रणाम करते हुए आज बहुत ही हर्ष का विषय है जो हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर ये पर्व मना रहे हैं। इसी क्रम में मैं सम्मानीय श्री जेपी कुशवाहा जी के चेहरों में एवं भगवान श्री कृष्ण के चेहरों में चंद पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं। जो भी गलतियां हो आप सभी लोग मुझे क्षमा करें, अपना बालक समझकर क्षमा करें। कहा गया है सबसे पहले गुरुजी के चेहरों में दो लाइनें, गुरुरि ब्रह्मा गुरु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुनिया में जितनी खुशियां हैं गुरु के चरणों से पाई है, हटा दिया है अंधकार, शिक्षा की ज्योति जलाई है। सम्मान श्री प्रधानाचार्य जी के चरणों में चंद पंक्तियां, जो कुछ भी गलतियां हो आप सभी लोग मुझे क्षमा करें, प्रधानाचार्य जी मुझे क्षमा करें। सत्य सत्य नमन है, सत्य सत्य नमन है, सत्य सत्य नमन है, सत्य सत्य नमन है। शिक्षा से आपने खिलाया चमन है, सत्य सत्य नमन है, सत्य सत्य नमन है। जब हमारे प्रधान आचार्य जी अध्ययन कर रहे थे तब हमारे इस क्षेत्र की दुर्दशा बहुत ही खराब दुर्दशा बनी हुई थी, लेकिन सम्मानीय श्री प्रधान आचार्य जी ने अध्ययन किया और देखा कि हमारे क्षेत्र की स्थिति इतनी खराब बनी हुई है, उसमें कैसे सुधार लाया जाए। तो हमारे सम्मानीय प्रधान आचार्य जी ने यहाँ पर परिश्रम किया। कहा गया है आपने देख ली क्षेत्र की दुर्दशा, आपने देख ली क्षेत्र की दुर्दशा, और ऐसे हमारे सम्मानित श्री प्रधानाचार्य जी
जिनको सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही मतलब है और बच्चों के जीवन को उज्जवल बनाना है इनका उद्देश्य है अपनी जिंदगी का, तो कहना आपने देख ली क्षेत्र की दुर्दशा, सिर्फ शिक्षा का ही आपको है नशा, केवल शिक्षा के लिए ही और बच्चों के जीवन के लिए ही कार्य करना आपका उद्देश्य बना हुआ है। आपने देख ली क्षेत्र की दुर्दशा, सिर्फ शिक्षा का ही आपको है नशा। और ते मेरे को हटा कर जो हमारे जीवन में अंधकार भरा हुआ था, हाथ मेरे को हटा कर की रोशनी है, ते मेरे को हटा कर की रोशनी है, शिक्षा में ऐसे हुए मगन है, सत्य सत्य न बने है, सत्य सत्य न बने है। पिता एवं गुरु भगवान का माना जाता है। आज हमारा ये परम सौभाग्य है कि जिस विद्यालय में हमने अध्ययन किया, हमारे प्रधान आचार्य जी के चेहरों की धूल में हम यहाँ पर खेलते रहे, अध्ययन किया है, और उन्हीं के बारे में आज चार शब्द कहने का मौका मिला है। हृदय गदगद है आज हमारा, और कह रहा हूं सम्मानीय श्री प्रधानाचार्य के लिए, धूप हो छा हो चाहे बरसात हो, चाहे जितनी भी धूप हो चाहे छा हो
और चाहे बरसात हो, लेकिन अगर किसी बालक के लिए गुरुजी के पास कोई समस्या दिखाई देती है तो हमारे गुरुदेव भगवान उसी, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे छाव हो, चाहे बरसात हो, लेकिन बालक के घर पहुंचकर गांव गांव भ्रमण कर उस समस्या का समाधान करते हैं। कहना पड़ा, धूप हो छाव हो चाहे बरसात हो, सोचते इन सभी की ही दिन रात हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, लेकिन हमेशा इन बालकों के लिए, हम सभी लोगों के भविष्य के लिए ही सोचते रहते हैं और तत्पर हाजिर होते हैं हमारे गुरुदेव भगवान। तो कहना पड़ा, धूप हो छाव हो चाहे बरसात हो, सोचते इन सभी की दिन रात हो। और लाड कृष्ण पावे लेके, ये जो विद्यालय की नींव रखी हमारे सम्मानित श्री जेपी कुशवाहा जी ने, प्रधान आचार्य जी ने, हम सभी के भविष्य के लिए यही काम किया है इन्हें। लाड कृष्ण पावे लेके हाई स्कूल से, लाड कृष्ण पावे लेके हाई स्कूल से, देते रहे शिक्षा का धन है, सत सत नमन है, सत सत नमन है, सत सत नमन है, सत सत नमन है।
और सिर्फ अंतिम लाइनें गुरु जी के चेहरों में। आप तो दिन दुखियों के भगवान हो, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई विद्यालय नहीं था, लेकिन गुरुजी ने ऐसा काम किया है कि हम सभी के लिए शिक्षा यहाँ पर मिल रही है। आप तो दिन दुखियों के भगवान हो, हम सभी